بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद जमान एक बार फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, वो है जनाब फारिज के हवाले से। जो नाज़रीन फारिज में मुबतला है, जिनको फारिज का मर्ज लाहक है, तो ऐसे लोगों के लिए है। तो उससे पहले जो दोस्त जो चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलते हैं जनाब टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को ये पेशेंट को फारिज का मसला है, फारिज में मुबतला हैं, उनके लिए बहुत ही लाजवाब वीडियो है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक माह की सुमार से गारंटेड कह रहा हूँ, शर्तिया कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला एक माह की सुमार से वो मुकम्मल तौर पर जो है सीढ़िया बोल जाएंगे। चाहे उनको जितना भी पुराना फारिज का अटैक है, जितना भी पुराना फारिज का मसला है, जितनी भी ज़्यादा मुद्दत हो चुकी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक माह की सुमार से इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगे। फुल गारंटेड के साथ कह रहा हूँ कि ये कोई महज एक नुस्खा के साथ बयान नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वो चीज़ बयान कर रहा हूँ जो मैंने खुद से रिज़ल्ट लिया है। तो इंशाल्लाह ताला के फजल से आप इस्तेमाल करेंगे तो दो याद रखेंगे। तो ज़्यादा जो है ना, मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर आजमाइश जो होती है वो शर्त होती है। जब तक आप आजमाएँगे नहीं, आप बनाएंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक जो है ना महज फजूल बातें हैं, फजूल की बहस है। तो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और इस्तेमाल आप करेंगे तो आप खुद बाकी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला, तो चलते हैं। आपने करना क्या है, आपने फटकरी ले लेनी है, वाइट फटकरी जिसे बोलते हैं, ये ले लेनी है। ये आप चाहे तो 30 ग्राम ले लें, चाहे 50 ग्राम ले लें, जितनी आप जैसे कि आपकी मर्जी है वो अपने हिसाब से आप ले लें। उसको आप तवे के ऊपर बनियाँ डालें। बढ़िया करने का तरीका ये है कि आप तवे के ऊपर जब रखेंगे तो उसके नीचे जो ना आप हीट दें, आग जलाएं, हल्की सी, ज़्यादा तेज़ आग नहीं जलानी, और ज़्यादा जो हल्की भी ना हो, नॉर्मल सी आग हो, तो वो पहले तो फटकरी जो है वो पानी की शक्ल में आ जाएगी, बिल्कुल पानी बन जाएगी। उसके बाद जो है वो दोबारा फिर से जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी। जब मकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए, मकम्मल खुश्क हो जाए, फुल वाइट हो जाएगी, जैसे कि पतासा होता है, तो फुल वाइट हो जाएगी। तो फिर जब आपको मुकम्मल आपको यकीन हो जाएगा बिल्कुल इसके अंदर लिक्विड अब नहीं रहेगा, बिल्कुल जो है ना ये सख्त हो चुकी है, ठीक है, तो ये इस कदर नरम हो जाएगी कि आप हाथ से पकड़ के ऐसे करेंगे तो पाउडर बन जाएगी। ये असल की आपको जो है ना, मैं जब भी आपको यकीन होगी ये बढ़िया होगी, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से बढ़िया नहीं होगी, जो इस अच्छे से बढ़िया ना होगा उसको आप पकड़ें तो वो हार्ड होगा, ठीक है, वो ब्रेक पाउडर नहीं होगा। इसलिए आपने मुकम्मल तौर पर ये कम अज़ कम जो है ना ये तकरीबन कोई 20-25 मिनट आधा घंटा तक ले जाती है बढ़िया होते होते, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। तो आपने जनाब बढ़िया कर लेना है। बढ़िया करने के बाद उसको अच्छी तरह आपने पाउडर करने पीसने, पीस के बाद आपको आप उसको एक बर्तन में डालें। तो शीमदार, मतलब शीमदार बोलते हैं ये अक के पौधे को, ये आपने अक्सर सड़कों के किनारों पर, नहरों के किनारों पर, ठीक है, खेतों के अंदर देखा होगा कि ये पौधा जो है ना खुद ही उगा होता है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। मैं साथ में पिक्चर भी जो है अटका देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये आप के पास जो है पाउडर है, उसके अंदर आपने उसके पौधे के पास बैठ देना, उसकी उसके पत्ते को तोड़ना है आपने, उसके टहनी को तोड़ना है आपने, उसके अंदर से जो है ना वाइट वाइट सा दूध निकलेगा, ठीक है। वो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वाफर मकदार में निकला है, एक बार आप तोड़े 2 से 3 से 4 कपड़े निकलेंगे, फिर आप दूसरी टहनी को तोड़े, इस तरह उसके उसके अंदर आपने दूध डालना है। दूध डाल के आपने उसको अच्छी तरह तर कर लेंगे, ठीक है, जब तर हो जाए तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर करके और डालें। जब मकम्मल तौर पर वो तर हो जाए तो आपने उसको घर ले आना, घर ला के उसको छाँव में रख देना। छाँव में रखने के बाद आपने उसको दोबारा नहीं छेड़ना, तो वो गालबन को 10 दिन लग जाएंगे उसको खुश्क होते होते। जब मुकम्मल तौर पर वो खुश्क हो जाए, और दूध के अंदर मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए, और वो जो है जो आपके पास पाउडर था वो पाउडर जो है उसको आपने दोबारा फिर से उसको रगड़ लेना है, रगड़ाई करके अच्छी तरह पाउडर करना है, रगड़ लेना अच्छी तरह, ब्लीकी उसके अंदर आ जाए कि जैसे कप्पड़ छान गया था रक्त की तरह बन जाए, तो आपको अपने उसको 0 साइज़ के कैप्सूल भर लेने हैं, 0 साइज़ के कैप्सूल भर के अपने पास महफूज रख लें। इंशाल्लाह ताला गारंटी के साथ कह रहा हूँ
ठंडी के साथ कह रहा हूँ कि ये मैं अपने दुआ खाने की जीनत आपने यूज़ करना, अपना कहते ना अपना दिल निकाल के दे रहा हूँ, तो आपने इसको जो है ना एक कैप्सूल डेली का पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपके खुद को मसला है, किसी अजीज़ को मसला है, उसके साथ साथ आप शेयर करें, क्योंकि जो मेरा मकसद होता है मेन वीडियो बनाने का वो सदका जारिया की नीयत से होता है। और आप भी जो है ना वीडियो को ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके आगे शेयर किया करें, फॉरवर्ड किया करें दोस्तों के साथ, आप इस कार्यक्रम के अंदर पीछा डाला करें। तो जिसको भी ये मसला है उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, उसको बना के दें, उसको बताएं, वो खुद बना सकता है। अगर नहीं बना सकते तो आप मंगवा सकते हैं, मुझसे मंगवा सकते हैं, तो बनाएं और इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की फजल से आप जितनी भी महंगे महंगे आप इलाज करवा चुके हैं, जितनी भी मेडिसिन खा चुके हैं, जितना भी ज़्यादा अर्सा हो चुका है, तो एक बार मेरे कहने पे एक बार आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से एक माह के अंदर अंदर जो है ना मुकम्मल तौर पर से दिया जो वही होगी, जितना भी ज़्यादा मसला होता होगा, ये नहीं कि जी अभी जो स्टार्ट है ये मर्द, तो ये बंदे को बहुत ज़्यादा मसला होगा, साल हो गया, दो साल हो गए, पाँच साल हो गए, तो ये वो अब ठीक नहीं होता, वो भी इस्तेमाल करे, वो भी इस्तेमाल करे। उस बंदे के लिए कह रहा हूँ जिसको बहुत अर्सा हो गया इस मामले में, इस मर्ज़ के अंदर मुबतला है वो, उसके लिए कह रहा हूँ कि एक माह के अंदर वो ठीक हो जाएगा। और जो जिसको ज़्यादा अर्सा नहीं है तो वो दिन चला था चल खुराकी से आपको वादा रिजल्ट मिलेगा। तो बाकी आप कमेंट के अंदर जो है ना आप राय लाजमी दिया करें, जो भी आपकी राय होती है, जो भी आपको किसी और बेनिफिट जो मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर जो है ना ज़्यादा अगर बेनिफिट बयान करूँ या कोई होना शुरू कर दूँ तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो दोस्त भी जो है उतार जाते हैं देखते देखते, इसलिए आप खुद अपनी राय दिया करें, कमेंट लाजमी किया करें, जो भी आपकी राय हो तो इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इससे नई वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होता हूँ।